मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास इजी टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको गुड़हल के फूल के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रही हूँ। तो गुड़हल का फूल, जिसे कि हिबिस्कस के फ्लावर भी कहा जाता है और चाइना रोज़ भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। खासकर सौंदर्य प्रसाधन में इसके फूलों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको इसके फ्रेश फूल मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं मिलते हैं दोस्तों तो इसके आजकल तो ड्राई फ्लावर्स भी मिलने लगे हैं। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं हिबिस्कस के ड्राई फ्लावर के नाम से। आपको बहुत आसानी से इसके सूखे फूल, साथ ही साथ इसका पाउडर भी मिलता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सी सौंदर्य की चीज़ों में इसके पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। परंतु मेरे यहाँ तो इसका पेड़ लगा हुआ है तो फ्रेश फूल मुझे मिल गए हैं। परंतु यदि आपको इसके ताज़े फूल नहीं मिलते हैं तो आप इसके सूखे फूलों को या फिर पाउडर को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, बालों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और बालों में डैंड्रफ है, दो मुँहे बाल हैं और ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तब तो आप इस गुड़हल का फूलों का तेल ज़रूर लगाएँ। इसके तेल को बनाने के लिए दोस्तों, आप इसके ऑयल बेस में कोई भी तरह का तेल ले सकते हैं। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो नारियल का तेल ले लें, चाहे तो आप ऑलिव ऑयल लेते हैं तो वो ले लें, कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं। और तेल को आपको स्लो फ्लेम पर गर्म होने रखना है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब इसमें आप 5 से 6 गुड़हल के फूल इस उबलते हुए तेल में आप डाल दें, और स्लो फ्लेम पर आपको इस फूल को खूब अच्छी तरह से तेल में पकाना है। इससे तेल में गुड़हल के फूलों का अर्क आ जाएगा, उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो उस तेल में आ जाएंगी। उसके बाद आप तेल को छानकर किसी भी डब्बे में भर लें, शीशी में भर लें। रोज़ रात के समय आप इस ऑयल से अपने स्कैल्प की बहुत अच्छी मसाज करें। जितना बढ़िया मसाज करेंगे उतना बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन होगा और हमारे जो बालों की जड़ हैं वो मजबूत होगी। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करें दोस्तों, और कोशिश करें कि सेम डे आप शैम्पू ना करें, ताकि तेल बालों में अच्छा 24 घंटे तक लगा रहे। दो एक दिन बाद ही आप तेल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस, मेरे यहाँ तो पेड़ है इसलिए मैं 3-4 फूल तोड़कर लेकर आई हूँ। साथ ही साथ यदि चेहरे पर मुहासे हैं तब भी आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर मुहासे पर लगा सकते हैं। आप देखेंगे जो मुहासों के कारण हमारे जो चेहरे पर दाग हो जाते हैं वो दाग बिल्कुल ही हट जाएंगे। परंतु कुछ दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें। आप चाहें तो तेल में इसके फूलों को ऐसे ही पूरा खड़ा का खड़ा भी डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो इसकी जो पेटल्स हैं उन्हें अलग अलग तोड़कर भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर, गुणों का भंडार है। बहुत सी औषधियों में भी इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सौंदर्य प्रसाधन में तो बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें होती हैं, चाहे फेस मास्क हो, फेस क्रीम हो दोस्तों, उसमें भी इसके फूलों का रस डाला जाता है। तो आप भी मेरे कहने से एक बार हिबिस्कस ऑयल को ज़रूर बनाएं दोस्तों। आप देखेंगे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी, बालों का झड़ना भी रुकेगा, और साथ ही साथ जो समय से पहले हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनकी सफ़ेदी भी नहीं आएगी। तो बहुत ही बढ़िया है ये। और यदि आपको ताज़े फूल नहीं मिलते हैं तब तो फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या किसी के यहाँ पेड़ रहता है दोस्तों तो उस पेड़ में भी कई बार लगे ही ये फूल सूख जाते हैं। आप उन सूखे फूलों से लेकर भी इस ऑयल को जरूर बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास इजी टिप्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।